गाइस मैं सिखाऊंगी आज आपको बचे हुए चिकन फ्राई से चिकन चिल्ली की रेसिपी। तो बहुत इजी, आप बना लो कि झटपट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ी सी, हमारा चिकन फ्राई बच गया था। आप जब मंगाओ तो वो रखा रहता है ना, फिर जब उसे फ्राई करके खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद यहाँ पर शिमला मिर्च ले लो, ऐसे काट लेना क्यूब्स में, ठीक है ना। और अनियंस, जिंजर, गार्लिक, उनको अच्छे से चॉप कर लो। और हमारा सारा सामान रेडी है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यहाँ पर आप ले लो मैदा और ना कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा पानी, इन सबको मिक्स कर लो। इससे ना हमारी ग्रेवी ना थिक हो जाएगी। उसके बाद जिसमें हमने चिकन फ्राई फ्राई किया था वो तेल बच गया था, इसलिए मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। हम ना कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे, सब कुछ यूज़ करेंगे। अच्छे से तेल को गर्म हो जाने दो। उसके बाद डाल दो इसमें गार्लिक और जिंजर, और उसके बाद डाल दो शिमला मिर्च, हल्का सॉटे कर लो शिमला मिर्च को। और उसके बाद डाल देना अनियंस और चिल्ली पाउडर, नमक। और हाँ, ज़्यादा मत पकाना सब्जियों को, थोड़ी सी ना ये क्रंची सी अच्छी लगती है। आपने कब चीज़ों को डालने के बाद ना फ्राई करते रहना, जैसे कि शिमला मिर्च डाली हल्का सा फ्राई किया, फिर प्याज डाली हल्का सा फ्राई किया ऐसे, और फिर डाल दो नमक। और जो हमने बनाया था ना वो थिक करने के लिए मैदा, कॉर्नफ्लोर और पानी का बैटर सा, वो भी डाल दो। और फिर डाल दो सोया सॉस, केचप, ग्रीन चिली। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लो। अब डाल दो अपना बचा हुआ चिकन फ्राई, अच्छे से मिक्स करो। और अब हमारा चिकन चिल्ली बिल्कुल रेडी है। इसको आप रुमाली रोटी के साथ खाओ, नान के साथ खाओ, जो मर्जी उससे खा लो। अच्छा कमेंट करके बताओ कि आपको रुमाली रोटी ज़्यादा पसंद है या फिर नान, जल्दी बताओ। मैं यहाँ पर नान से खा रही हूँ, ये इतना सही बना था ना गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब। बाय।